जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या होता है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन के क्या फ़ायदे हैं, और अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनर्जी सोर्स, सोर्स सोर्स को यहाँ पे मैंने टू टाइप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सोर्स है एक मेन कंपोनेंट, मान लीजिए सोर्स। सर सोर्स दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है करंट सोर्स, ठीक है। इसके बाद में वोल्टेज सोर्स हो जाए, ये दो प्रकार से होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स, ओके। और यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट सोर्स दो प्रकार से होता है, जैसे कि वोल्टेज सोर्स हुआ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट सोर्स। उसी प्रकार से करंट सोर्स भी दो प्रकार का होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स। एंड उसके बाद डिपेंडेंट सोर्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। ये एक याद रख लेना जनरल, ऐसे कुछ एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा वैसे। और यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, ये भी दो प्रकार से है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट सोर्स। एंड इसमें यहाँ पे सोर्स को डिवाइड कर दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं डिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट सोर्स की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। डिपेंडेंट क्या होता है, अनडिपेंडेंट क्या होता है। अनडिपेंडेंट आर दोज विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी इन द सर्किट, मतलब कि सर्किट के अंदर अनडिपेंडेंट सोर्स किसी भी क्वांटिटी, मतलब किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता है। दे आर टू टर्मिनल डिवाइस एंड हीज कांस्टेंट वैल्यू, जैसे दो टर्मिनल डिवाइस होती है और इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू है। इनडिपेंडेंट मतलब कि सोर्स क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये टर्मिनल मतलब सर्किट के अंदर किसी पर भी निर्भर नहीं होता है, एक सेल्फ सोर्स होता है। द वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल रिमेन्स कॉन्स्टेंट रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑल करंट सर्किट कंडीशन। द इंडिपेंडेंट सोर्स आर रेस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेड बाई द सर्कुलर शेप, मतलब कि अनडिपेंडेंट सोर्स को हम किस पे दिखाते हैं, सर्कुलर शेप में दिखाते हैं। जैसे वोल्टेज यहाँ पे, ये एक अनडिपेंडेंट सोर्स है, और क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स को हम इस सर्कुलर शेप में दिखाते हैं, और ये किसी भी अनदर क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये एक तरीके से बोले तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं डिपेंडेंट सोर्स या कंट्रोल्ड सोर्स, ये क्या होता है। सोर्स देर सोर्स आर दोज आउटपुट वोल्टेज और करंट इज नॉट फिक्स्ड, मतलब कि इसमें जो सोर्स है इसकी आउटपुट वोल्टेज और करंट, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, बट डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज और करंट इन अनदर पार्ट, मतलब कि ये वोल्टेज और करंट के अनदर पार्ट, जैसे ये किसी सर्किट में कोई भी सोर्स लगा हुआ है दूसरा, तो उस सोर्स पर ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड, मतलब कि दूसरे सर्किट पर ये डिपेंडेंट होता है। देयर आर फोर टर्मिनल डिवाइसेस, वे चार डिवाइस होती है। व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज और करंट चेंज इन द सोर्स और फॉर एनी चेंज इन द कनेक्टेड नेटवर्क, देयर आर कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्स। द डिपेंडेंट सोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायमंड शेप। डायमंड शेप मतलब कि ये इसमें प्लस और माइनस ये हो गया, कि जहाँ पर भी ये सर्कुलर शेप में बन जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स, जो किसी भी अनदर सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होता है। और ये सेकंड है, ये सोर्स है, इसमें इसको डायमंड शेप में दे सकते हैं। तो इस ये क्या है कि दूसरे सोर्स पर डिपेंडेंट होता है, ऐसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्स। उसके बाद में मतलब कि एक तरीके से समझे तो इनकी डेफिनेशन से ही समझ सकते, एक तरीके से इनके नाम से पता चलता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। डिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अनदर क्वांटिटी पर, और अनडिपेंडेंट जो किसी भी अनदर क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो क्या होता है, अनडिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होता है वो डिपेंडेंट सोर्स। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, कि मैंने समझ एक तरीके से दिखा रखा है क्या कैसे क्या अनडिपेंडेंट सोर्स ये है। ठीक है, अनडिपेंडेंट टाइम इंटरवल इन्वर्टियल वोल्टेज सोर्स, ये यहाँ पे ये एक तरीके से ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है एक, तो वोल्टेज सोर्स है और ये किसी भी अनदर पार्ट मतलब अनदर
किसी भी सर्किट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अदर सोर्स पे एक तरीके इसको ऐसे दिखा दिया, एक ये करंट के टाइम के अक्रॉस करंट है, ये सोर्स है करंट सोर्स, ये क्या है वोल्टेज टाइम्स के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज सोर्स है, ये सोर्स है वोल्टेज, ठीक है। उसी प्रकार से डिपेंडेंट सोर्स को किससे दिखाते हैं, मैंने बता दिया उस टाइम पे डायमंड डायमंड के रूप में, ये डायमंड ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस ये एक डायमंड है, इसके संदर्भ करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को अलग अलग डिवाइडेड कर रखा है, तो इसको हम बोलते हैं देखो डायमंड। यदि आपको डिपेंडेंट सोर्स के लिख लेते हैं इस प्रकार से, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स ये है यहाँ पे, कंट्रोल करंट वोल्ट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट मतलब किस पे डिपेंडेंट है, सोर्स वोल्टेज सोर्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके बाद में एक चौथा चौथा तीसरा है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और चौथा है कंट्रोल करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। ये चार टाइप हो गए डिपेंडेंट सोर्स के, अनडिपेंडेंट सोर्स के ये चार टाइप हो गए, अनडिपेंडेंट टाइम वेरिएंट वोल्टेज सोर्स, अनडिपेंडेंट टाइम वेरिएंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, मतलब कि सोर्स आइडियल और प्रैक्टिकल इसको आधार पर इसको बांटा गया है। आइडियल आइडियल इज ए वन वेयर इंटरनल रेजिस्टेंस डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। उसके बाद में नोट, फॉर ए वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो, मतलब कि जब भी आप प्रैक्टिकल या बायवा क्वेश्चन मतलब बायवा में सर पूछते हैं, तो उस टाइम पे आपको उससे पूछा जा सकता है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसको याद रख लेना है कि वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, और करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकल इज वन वेयर इंटरनल रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पे मैंने सर्किट में ये जोड़ दिखा रखा है, वोल्टेज है ई और बी, इन दोनों पॉइंटों के बीच में दिखा रखा है, इसको हमने एक मतलब कि वोल्टेज और करंट करंट के रिलेशन के हिसाब से बता दिया है। वेयर वन ये इसके अंदर क्या वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही फिगर्स बता रखे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पर चलते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स यूजिंग इन नेटवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये किस तरीके का सोर्स है, इसको पता करने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे बता दिया कि डिपेंडेंट सोर्स क्या था, अनडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, उनके टाइप क्या कैसे थे, इसके बारे में बता दिया। अब इसमें यहाँ पे पढ़ लेते हैं अनडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स को एक बार, आपको एक मतलब कि क्या कैसे क्या है ये, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इनका वोल्टेज सोर्स को कन्वर्जन भी मैंने बताया, वोल्टेज को करंट में कैसे मतलब वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कन्वर्जन करना पड़ेगा, उस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको क्वेश्चन करने के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। द सिंबल यूजिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंट सोर्स, सिंबल डायमंड इज रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, उसकी सोर्स क्या होता है, एक सर्कुलर शेप होता है, ठीक है। जैसे ये तो इसमें कहाँ पे है डायमंड, तो क्या है डिपेंडेंट सोर्स है, स्क्वायर क्या हो, स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर एक तरीके से ये सर्कल, ये सर्कल हो गया, स्क्वायर मतलब कि रेडियस, जैसे कोई रेडियस है उसका स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस स्क्वायर एक तरीके से बोल लेता हूँ, ट्राइंगल ट्राइंगल ये शेप है, तो ये तीनों वैल्यू क्या है डिपेंडेंट, और जो यहाँ पे सर्कल है सर्कल क्या हो जाएगा,
इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, मतलब कि सर्कल ये बोले तो ये इसमें प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, अनडिपेंडेंट सोर्स। इसके बाद कंट्रोल सोर्स आर आल्सो नॉन एज, कंट्रोल्ड सोर्स आल्सो नॉन एज, जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल्ड सोर्स मतलब कि क्या चीज़ होता है जो दूसरे पर कंट्रोल होते हैं, दूसरे सोर्स पर कंट्रोल्ड होते हैं वो क्या होता है, कंट्रोल्ड सोर्स होते हैं। जैसे कि हमने इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, खुद पे किसी भी को दूसरे पर कंट्रोल नहीं होता, वो खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट सोर्स होता है। तो यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये क्या है इसका, डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, ये क्या है, कंट्रोल्ड सोर्स होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसे डिपेंडेंट सोर्स कंट्रोल सोर्स कहे जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द एनालिसिस ऑफ करंट कंटेनिंग डिपेंडेंट सोर्स कैन बी डन यूजिंग नोडल एंड मैश एनालिसिस, कि डिपेंडेंट सोर्स का यूज हम नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस के रूप में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक अनडिपेंडेंट सोर्स का यूज करना पड़ता है, आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि आगे हम मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस करेंगे तो उस टाइम पे आपको बता दूंगा। इन द केस ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स द वैल्यू ऑफ दिस करंट वोल्टेज करंट सोर्स डिपेंड ऑन, इन द केस ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज करंट सोर्स डिपेंड ऑन, इसको आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 6 क्वेश्चन बता ही चुका हूँ, अब आप इस क्वेश्चन को तो कर ही सकते हैं कम से कम। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके कुछ भी नॉलेज मतलब कि कुछ अच्छा मिला हो और तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियो में लगातार आती रहेगी इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।